गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो कि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास नाइन्थ का जो हमारा ज्योग्राफी पोर्शन चल रहा था उसके अंदर सिक्स नंबर का चैप्टर था पॉपुलेशन। तो भारत की पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत से तथ्यों के बारे में, बहुत सी विशेष बातों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो भारत की जो पॉपुलेशन है उसको प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख कारकों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें पहली चीज जो थी वो थी जन्मदर, दूसरी हमने पढ़ी मृत्यु दर, और तीसरा जो टॉपिक था, तीसरा जो विशेष कारण था या विशेष कारक था जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक था, वह था माइग्रेशन, या इसको पलायन भी कहते हैं या इसको प्रवास करना भी कहते हैं। अब प्रवास शब्द का मतलब या माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है किसी भी एक स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जा करके स्थायी रूप से निवास करने लग जाना, और यदि किसी कारण से संसाधनों के अभाव में यदि व्यक्ति एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के स्थायी रूप से निवास करने लग जाता है तो उसे हम पलायन कहते हैं या प्रवास के नाम से जानते हैं। तो माइग्रेशन भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि जनसंख्या वृद्धि के कारक को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हम इस जो चैप्टर का आज अगला भाग है उसमें हम यही पढ़ेंगे कि माइग्रेशन किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। तो आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं कि जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है टिल 1980 के 1980 तक हाई बर्थ रेट्स एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स लेड टू ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स रिजल्टिंग इन हायर रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 1980 तक भारत के भीतर जो जनसंख्या थी उसमें जन्म दर काफी अधिक थी और मृत्यु दर जो थी वो काफी कम थी। इस कारण से जनसंख्या वृद्धि जो थी या भारत की जो जनसंख्या वृद्धि थी उसमें बहुत अधिक मात्रा में, या ये कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर की जो है दर थी, जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो बहुत ऊंची थी। अब नॉर्मल सी एक थिंकिंग होनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि किसी जगह पर यदि लोगों के जन्म लेने की संख्या की जो दर है वो यदि ज्यादा होगी, यानी कि बर्थ रेट ज्यादा होगी, और यदि लोगों के मरने की जो संख्या है या दर है वो कम होगी, तो सीधी सी बात समझ में आती है कि उस स्थान की जो जनसंख्या है वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेगी। मान लीजिए हम कहते हैं कि जैसे 2019 के भीतर भारत के अंदर यदि 1000 लोग थे तो 1000 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन जबकि जन्म लेने वालों की संख्या यदि 500 हुई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2020 का आंकड़ा होगा, यदि 2020 के भीतर जनगणना की जाएगी, जनसंख्या लोगों को काउंट किया जाएगा, तो जनसंख्या जो है वो काफी अधिक निकलेगी, जनसंख्या की जो वृद्धि होगी वो काफी बढ़ी हुई निकलेगी और उसकी जो रेट होगी वो भी काफी हाई आएगी। तो हम समझ सकते हैं कि भारत के भीतर लोगों के जन्म लेने की जो दर है वो काफी अधिक है, लेकिन यहाँ पर लोगों के मरने की या डेथ रेट है जो है वो बहुत कम है, और इसी जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का डिफरेंस जो है इतना विशाल जो डिफरेंस है उसी के कारण 1980 का जो समय था वहां तक पॉपुलेशन वृद्धि दर काफी ऊंची दर पर पाई जाती थी, यानी कि जो पॉपुलेशन वृद्धि है वो काफी उच्च दर से हो रही थी। Since 1981, 1981 से बर्थ रेट्स हैव आल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, कि जो बर्थ रेट थी, जन्म दर थी, उसे कम किया जाना शुरुआत कर दिया गया, यानी कि कम होने लग गई 1981 के दशक से आगे, रिजल्टिंग इन ए ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसका रिजल्ट क्या निकला, यानी कि 1981 के भीतर से सरकार ने ऐसी योजनाएं चलाई, कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जिसके द्वारा जो भारतीय जनता थी उसको, उनको जागरूक बनाया गया कि देश की जनसंख्या को कम किया जाए और जो भारत की जन्म दर है उसे कम किया जाए और साथ में जो डेथ रेट है उसे भी घटाने का प्रयास किया जाए। तो इसी कारण से जो 1981 का वर्ष था उसके बाद से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे कम होने लग गई, यानी कि 1981 से पहले तो जो जनसंख्या की दर थी, जनसंख्या वृद्धि होने की, उस पर कोई लगाम नहीं लगाई गई थी भारतीय सरकार के द्वारा, लेकिन 1981 तक जो समय आया तो 1981 तक के समय के दौरान
फिर ये सोचा जाने लग गया कि भारत की जनसंख्या को किस प्रकार से कंट्रोल करा जाए, क्योंकि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो भारत आजाद हुआ था जिस समय, तो 1951 में जो जनगणना करवाई गई थी तो लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास लोग निवास कर रहे थे भारत में। लेकिन जब 1980 के भीतर जब आंकड़ा पता किया गया तो लगभग 68 करोड़ की जनसंख्या पहुंच चुकी थी। तो हम ये कह सकते हैं काफी तीव्र गति से, यानी कि इतने से वर्षों के भीतर काफी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो इसी चीज को रोकने के लिए 1981 के बाद से भारतीय सरकार ने ऐसे कार्यक्रम चलाए, ऐसी योजनाएं चलाई जिसके माध्यम से भारत की जन्म दर को थोड़ा कम किया जा सके और साथ में जो मृत्यु दर थी उसको भी घटाया जा सके। आगे कहा जाता है, अब जैसा कि हम जानते हैं जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में हम लोगों ने कल भी समझा था। जन्म दर क्या चीज होती है, 1000 लोग यदि जीवित हैं तो उनमें से 1000 लोगों में से कितने लोग जीवित हैं, तो इस चीज को यानी कि जीवित जन्मों की संख्या को हम जन्म दर के रूप में काउंट करते हैं। और यदि मृत्यु दर की बात की जाए तो 1000 लोगों के ऊपर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, ये चीज जब हम देखते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे हम मृत्यु दर मानते हैं। यहाँ अब तीसरा जो कारक है जो कि जनसंख्या वृद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करता है वह है माइग्रेशन, यानी कि प्रवास या पलायन। माइग्रेशन इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कहता है कि जो प्रवास है वो जनसंख्या वृद्धि का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है, तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। अभी आप लोगों को बताया गया था कि जनसंख्या वृद्धि जो है उसको बढ़ाने का, या कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के लिए या जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जो तीन प्रमुख कारक है वो है जन्म दर, तो भारत में उच्च जन्म दर है, मृत्यु दर यानी कि निम्न मृत्यु दर है, मृत्यु दर की जो मात्रा है वो कम है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो माइग्रेशन, प्रवास या पलायन। अब ये किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है ये चीज हम इस पूरे पैराग्राफ में समझेंगे। तो देखते हैं आगे कहता है कि इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजंस एंड टेरिटरीज। इस शब्द का मतलब यह है कि एक प्रदेश से या एक क्षेत्र से लोगों का चले जाना, यानी कि किसी भी एक स्थान से, किसी भी एक प्रदेश से या किसी भी एक क्षेत्र से लोगों का दूसरे स्थान पर चले जाने के कार्य को ही हम क्या समझते हैं, प्रवास समझते हैं। अभी जैसा कि हमने भी आपको बताया प्रवास का मतलब होता ही यही है कि एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर के जो मनुष्य है वो निवास करना शुरू कर दे। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जरूरत क्या पड़ेगी मनुष्य को, क्योंकि जब जो भौतिक संसाधन है उनकी पूर्ति जब आदमी नहीं कर पाएगा, अपनी बेसिक नीड्स की जब जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा तो वह दूसरे स्थान की ओर अग्रसर होना शुरू कर देगा, और इसी प्रक्रिया को हम माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। अभी हम माइग्रेशन के प्रकार बताए गए कि माइग्रेशन जो है वो दो प्रकार के हैं, कि माइग्रेशन कैन बी इंटरनल और इंटरनेशनल, कि जो प्रवास का कार्य है या प्रवास की जो प्रक्रिया है यह आंतरिक भी हो सकती है और अंतरराष्ट्रीय भी हो सकती है। अब इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है, अब माइग्रेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि आंतरिक क्या है यानी कि अंतरदेशीय क्या है। एक देश के भीतर किसी भी राज्य में यदि कोई व्यक्ति निवास कर रहा है और उसे उस राज्य के भीतर समुचित मात्रा में प्राकृतिक संसाधन या भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, वह अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वह देश अपने देश के भीतर ही किसी अन्य राज्य में जाकर के यदि रहना शुरू कर दे तो ऐसी स्थिति में जो प्रवास की प्रक्रिया होगी वो अंतरदेशीय कहलाएगी। देश के भीतर ही उसने दूसरे स्थान पर जाकर के निवास करना शुरू किया, तो इस प्रक्रिया को तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, इंटरनल माइग्रेशन, यानी कि एक देश के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के किसी भी मनुष्य का निवास करना शुरू कर देना। लेकिन इंटरनेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब रहता है कि जब व्यक्ति है किसी कारण से, किसी व्यवसाय की वजह से, किसी उद्योग की वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से एक देश को छोड़कर किसी दूसरे अन्य देश में जाकर निवास करना शुरू कर देता है तो इसे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। दोबारा समझ लें, इंटरनल माइग्रेशन जो होता है इसका मतलब होता है एक देश के भीतर ही किसी भी स्थान पर जाकर के मनुष्य का निवास कर देना, अपने निवास करना शुरू कर देना किसी भी अपने पहले वाले स्थान को छोड़ करके। लेकिन इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाकर के निवास करना शुरू कर देना। अब देखते हैं आगे क्या कहता है, इंटरनल माइग्रेशन इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आंतरिक
जो प्रवास की प्रक्रिया होती है वह जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। किस प्रकार से? तो देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, यहाँ पर समझाया गया है कि जो आंतरिक प्रवास की प्रक्रिया है वो किस तरीके से प्रभावित करती है जनसंख्या के वितरण को। मान लीजिए राजस्थान नाम का एक राज्य है, तो राजस्थान के भीतर मान लीजिए कि 500 लोग निवास कर रहे हैं, और इसका जो पड़ोसी राज्य है वो मान लीजिए पंजाब है, पंजाब के भीतर भी 500 लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन भौतिक संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए या प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन पंजाब के अंदर हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध है। अब मान लीजिए राजस्थान के इन 500 लोगों में से यदि कोई 50 लोग भी ये सोच लें कि भाई यहाँ पर हमें उचित प्रकार से काम धंधा नहीं मिल पा रहा है, हमारा जीवन ढंग से नहीं जी पा रहे हैं हम, हमारे को कई प्रकार की समस्या आ रही है, तो ऐसे स्थान पर यदि राजस्थान से निकल करके कोई व्यक्ति पंजाब में जाकर के निवास करना शुरू कर देता है तो जनसंख्या के ऊपर फर्क कैसे पड़ेगा और जनसंख्या के वितरण पर कैसे फर्क पड़ेगा, ये चीज हमें समझनी है। तो देखिए, राजस्थान में भी 500 लोग थे, पंजाब में भी 500 लोग थे, लेकिन जब यहाँ से 500 लोग चले गए तो यहाँ तो लेस हो गए, यहाँ तो कम हो गए, तो यहाँ तो 500 में से कितने रह गए, 450 लोग ही रह गए, लेकिन यहाँ पर प्लस हो गए क्योंकि यहाँ पर 50 लोगों की संख्या बढ़ गई, तो यहाँ कितने हो गए, 550। अब बताइए दोनों की जो संख्या है वो सेम है या अलग है, तो ये अलग हो गई। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का तरीका यही है कि यदि एक राज्य में से कोई कुछ लोग भी निकल करके किसी दूसरे राज्य में जाके निवास करना शुरू कर देते हैं तो जिस राज्य से निकल करके गए हैं वहां की जनसंख्या कम हो जाएगी, जिस दूसरे राज्य में उन्होंने प्रवेश किया है जाके निवास करना शुरू किया है वहां की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और जनसंख्या वृद्धि के कारण मतलब जो कारक है उसके रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका यह है निभाता है। आगे हम देखते हैं कि इंटरनल माइग्रेशन इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अभी आपको बताया जनसंख्या का जो वितरण है उसको किस प्रकार से आंतरिक ये प्रवास की प्रक्रिया प्रभावित करती है। अब हम आगे बात करते हैं कि इट डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन यह है आंतरिक जो प्रवास की प्रक्रिया है इससे देश की जनसंख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, यहां पर देखिए राजस्थान किस देश में आ रहा है, भारत के भीतर, और पंजाब किस में आ रहा है, भारत के भीतर। यहाँ के 50 लोग जाकर के पंजाब में रहना शुरू कर दें या पंजाब के 100 लोग आकर के राजस्थान में रहना शुरू कर दें, लेकिन जब टोटल जनगणना होगी तो टोटल जनगणनाओं में इन 50 लोगों की काउंटिंग पहले के जैसे ही होगी। अब चाहे वो पूरे भारत में किसी भी राज्य में जाकर के निवास करना शुरू कर दें तो भारत की जनसंख्या का जो आंकड़ा होगा वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। प्रभावित तब होता कि जब मान लीजिए राजस्थान के ये 50 लोग निकल करके भारत से ही बाहर चले जाते और किसी दूसरे देश में जाके निवास करना शुरू कर देते तो जनसंख्या की जो मात्रा थी या जनसंख्या का जो आंकड़ा था वो जरूर गड़बड़ा जाता। लेकिन यहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके निवास करना शुरू करा है तो जब टोटल जनगणना के आंकड़े आएंगे तो उनमें उन 50 लोगों की गिनती किसी भी एक राज्य से की जाएगी, दूसरे राज्य में उनकी काउंटिंग नहीं होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है ये बात यहाँ पर कि यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो इट डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन के जनसंख्या के आकार को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करता है। कौन सा माइग्रेशन? इंटरनल माइग्रेशन। अब हम आगे देखते हैं क्या कहता है कि इन इंडिया भारत के भीतर मोस्ट माइग्रेशंस हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। बहुत ही कॉमन सी बात बताई गई है, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है गांवों का देश है, लेकिन गांवों के अंदर आज वर्तमान में 21वीं सदी के भीतर जब सुख सुविधाओं की बहुत कमी आने लग गई और गांव के अंदर रोजगार की कमी नहीं है, शिक्षा का भी स्तर अच्छा नहीं है, गांव के अंदर रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है, तो ऐसी स्थिति में जो गांव के लोग हैं वो गांवों से पलायन करके शहर की ओर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि शहर के अंदर अपने जीवन को जीने के लिए सुख सुविधा के साधन जुटाना बड़ा आसान पड़ता है लेकिन गांवों के अंदर बहुत ही मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों से आगे निकल करके या ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर आकर के शहरी क्षेत्रों में निवास करना शुरू कर दिया है।
तो इसलिए ये प्रक्रिया काफी लंबे समय पहले से ही चलती जा रही है। तो इस प्रक्रिया को आप माइग्रेशन भी कह सकते हैं। और गांव के लोगों का शहर की ओर बढ़ते जाना और शहरी जीवन के अंदर अपना योगदान प्रदान करने की प्रक्रिया को आप सभी जानते हैं, अर्बनाइजेशन भी कहते हैं हम इसे, नगरीकरण भी कहते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर यही कहा गया है कि अधिकतर जो माइग्रेशन का कार्य है भारत के भीतर वह ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ होता है। ये प्रक्रिया सबसे ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर इन रूरल एरियाज, क्योंकि गांवों को पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। गांवों के अंदर मौलिक सुख सुविधाएं जो है, बेसिक नीड्स जो है मनुष्य की, पूरी हो पाना बहुत, या तो पूरी नहीं होती और होती है तो बड़ी कठिनाई से पूरी हो पाती है। इसलिए गांव के क्षेत्र को या ग्रामीण क्षेत्र को पिछड़ा हुआ समझा जाने के कारण ये प्रक्रिया सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र की ओर होती है। कौन सी प्रक्रिया? माइग्रेशन की प्रक्रिया या प्रवास की प्रक्रिया। आगे कहता है देयर आर एडवर्स कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। सबसे दो प्रमुख कारण जिनकी वजह से एक मनुष्य गांव को छोड़कर के शहर की ओर बढ़ता है या शहर के अंदर आकर के निवास करना शुरू कर देता है, कौन से दो प्रमुख कारण है? दो विपरीत परिस्थितियां पाई जाती है मनुष्य के जीवन के। कि कौन सी दो परिस्थितियां? कि एक तो गांव के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा है, और गरीबी क्यों है? जब काम धंधा ही नहीं है तो लोग गरीब होंगे, जो भौतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका अभाव है, तो इसलिए गरीबी बहुत होती है गाँव में। और साथ में ही अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार का कोई साधन नहीं होता, तो इस कारण से ये दो ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जो माइग्रेशन का कार्य वो सबसे ज्यादा होता है। एंड गुड अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर लिविंग इन अर्बन एरियाज। तो लोगों की कॉमन थिंकिंग ये होती है कि गाँव के अंदर गरीबी है, बेरोजगारी है, तो ऐसे इलाके में रहने से क्या फायदा जहाँ पर दो वक्त की रोटी भी जुटाना बड़ा भारी पड़ जाए। तो इसलिए लोग जो है शहरों की तरफ अच्छे जीवन के संसाधनों के होने के कारण और एक बेटर लाइफ स्टाइल मिलने के कारण क्या करते हैं, शहर की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, शहरों में जाकर के निवास करना शुरू कर देते हैं। आगे कहा जाता है माइग्रेशन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन पॉपुलेशन चेंज। कि जो प्रवास है वह पॉपुलेशन चेंज में यानी कि जनसंख्या परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जनसंख्या परिवर्तन कैसे, अभी आप लोगों को बताया कि राजस्थान से मान लीजिए 50 लोग निकल करके चले गए और पंजाब में जाकर के निवास करना शुरू कर दिया, तो यहाँ के जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो बदलेंगे या नहीं? तो बदलेंगे, इसी कारण से बदलेंगे। तो जनसंख्या परिवर्तन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रवास। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो 2001 के अंदर काउंटिंग हुई थी राजस्थान में, लेकिन उसके बाद में जाकर के 2011 के जनगणना के आंकड़ों में यदि उसने जाकर के पंजाब या हरियाणा में निवास करना शुरू कर दिया तो उसकी काउंटिंग फिर हरियाणा से होने लग जाएगी और जो राजस्थान से उसका नाम है वह हटा दिया जाएगा। तो इसलिए जनसंख्या परिवर्तन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रवास की प्रक्रिया। आगे इट नॉट ओनली चेंज द पॉपुलेशन साइज, कि यह केवल जनसंख्या के आकार को ही नहीं बदलता बट आल्सो द ट्रेंड ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स कंपोजिशन। तो कहा जाता है बल्कि आयु और लिंग संगठन के संबंध में भी यह शहरी और ग्रामीण जो जनसंख्या है उसके प्रचलन को भी प्रभावित करता है। अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि यह क्या करता है, जो जनसंख्या का आकार है उसको प्रभावित करता है। अभी वही उदाहरण आप लोगों को बताया कि किसी भी राज्य के भीतर यदि 1000 लोग निवास कर रहे हैं और वहां से यदि 100 लोग भी निकल करके किसी दूसरे राज्य में जाकर निवास करना शुरू कर देते हैं तो जनसंख्या के आकार में यानी कि जो एक राज्य है वहां की जनसंख्या बढ़ जाएगी और दूसरे राज्य की जो जनसंख्या है वो अपने आप ही कम होगी। तो इसलिए दोनों ही राज्यों के जो आंकड़े हैं वो वापस गड़बड़ा जाएंगे, एक ही ज्यादा तो एक ही कम हो जाएगी जनसंख्या। आगे कहता है इन इंडिया भारत में रूरल अर्बन माइग्रेशन की ग्रामीण शहरी प्रवास हैज रिजल्टेड इन ए स्टेडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन। तो कहा जाता है कि शहरों में और कस्बों में जनसंख्या के प्रतिशत में अनवरत वृद्धि का परिणाम है। यानी कि यहाँ कहा गया है कि शहरों के भीतर बेहतर सुख सुविधा प्राप्त होने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनसे लोग बाहर निकल करके शहरों की ओर बढ़ते हैं और इसका फर्क ये पड़ता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर लोगों की जो जनसंख्या होती है वह कम हो जाती है और शहरी क्षेत्रों के अंदर लोगों के निवास करने की जो संख्या है वह बढ़ जाती है। द
अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम, यहाँ कहा जाता है द अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 17.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। अब देखिए क्या कहा जाता है कि जब हमारे देश की काउंटिंग की गई थी 1951 में, यानी कि हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद 1951 के भीतर जब पहली बार जनगणना का कार्य पूरा किया गया, तो उस जनगणना के कार्य में जो शहरी जनसंख्या थी उसकी मात्रा केवल 17.29% ही थी, यानी कि 100 में से 17.29% लोग ही सिर्फ शहर के अंदर निवास कर रहे थे। लेकिन जब 2011 की जनगणना करवाई गई, तो 2011 की जनगणना के भीतर 31.80% लोग जो हैं वो निवास कर रहे थे शहरी क्षेत्रों के भीतर। अब हम बात करते हैं, देयर हैज बीन ए नोटिसेबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियंस प्लस सिटी फ्रॉम 35 to 53 इन जस्ट वन डिकेड इन 2001 और 2011। यहां कहा गया है कि 2001 से लेकर के 2011 तक का जो दशक है, अब यहां पर एक वर्ड आया डिकेड, डिकेड का मतलब होता है दशक, और दशक का मतलब होता है, इसे दशाब्दी भी कहते हैं, दशक भी कहते हैं, दशक का मतलब होता है 10 साल का समय। तो इन 10 सालों के भीतर, यानी कि 2001 से लेकर के 2011 तक के 10 सालों के भीतर ही बहुत से, यानी कि कई ऐसे शहर बन चुके हैं, कस्बे हो चुके हैं, जिनकी जनसंख्या 10 लाख प्लस हो चुकी है, यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा जो शहर हैं वो भारत के अंदर मौजूद हैं, और इनकी संख्या पूरे भारत के भीतर 35 to 53 हो चुकी है, यानी कि 35 से लेकर के 53 के संख्या के बीच में इतने जो शहर हैं, कस्बे हैं, वो भारत में मौजूद हैं, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। अब जैसा कि आपको एक आंकड़ा बताएं कि नॉर्मली कहा जाता है कि 10 लाख से ऊपर का जो शहर रहता है उसे महानगर की कैटेगरी में माना जाता है, तो इस हिसाब से जो राजस्थान है, तो राजस्थान के कई शहर हैं जो 10 लाख की जनसंख्या से ऊपर आ चुके हैं, जिनमें जयपुर का नाम जानते हैं आप, जोधपुर का नाम जानते हो, सबकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, और सबसे ज्यादा राजस्थान की जो जनसंख्या वो जयपुर में निवास करती है। 2011 के आंकड़े के अनुसार लगभग 66 लाख लोग जो थे वो जयपुर के अंदर निवास कर रहे थे, तो इसलिए राजस्थान के भीतर जो जयपुर है उसे एक महानगर का दर्जा दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जन्म दर, मृत्यु दर और पलायन या प्रवास, ये तीनों ही फैक्टर ऐसे हैं जो कि किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि के जो दर है उसको काफी हद तक प्रभावित करते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन इस जनसंख्या के प्रवास, यानी कि जो ये प्रवास का कार्य है, प्रवास की प्रक्रिया, यदि ये इंटरनल हो रही है, यानी कि देश के भीतर ही एक व्यक्ति एक राज्य से निकलकर किसी दूसरे राज्य में जाके निवास कर रहा है, तब तो देश की जनसंख्या पर कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन यदि एक व्यक्ति जो कि भारत देश का निवासी है और भारत से निकल के किसी दूसरे देश में जाकर के उसने निवास करना शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जो इंटरनेशनल माइग्रेशन जिसे कहा जाता है, तो वह भारत की जनसंख्या के आंकड़े को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि माइग्रेशन किस तरीके से प्रभावित करता है किसी भी देश की जनसंख्या को, जनसंख्या के वितरण को कैसे प्रभावित करता है। माइग्रेशन के दो प्रकार बताए गए इस पैराग्राफ में, इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो दोनों का मतलब आपको यहाँ पर समझाया गया। आपको साथ में जो ये आंकड़े बीच बीच में आते हैं कि जैसे 1951 के अंदर शहरी जनसंख्या की कितना प्रतिशत था, तो 17.29% था, और 2011 के भीतर शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था 31.80%। तो ये आंकड़े आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा, और शुरुआत में जो हमने अंश पढ़ा उसमें देखा कि 1980 तक तो जन्म दर जो थी काफी हाई थी और मृत्यु दर जो थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन 1981 के बाद से जन्म दर को भी कम किए जाने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए गए, बहुत सी योजनाएं चलाई गई, भारतीय सरकार ने ध्यान दिया इस क्षेत्र में कि भारत की जो जनसंख्या है उसको अब कंट्रोल किए जाने का समय आ चुका है, तो धीरे धीरे जो जन्म दर थी उसे भी अब कम किया जाने लग गया था, और मृत्यु दर को भी धीरे धीरे घटाया जाने लग गया था। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक को यहीं समाप्त करते हुए करते हैं, कल एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो
आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।